हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूरी ऑफिशियल 20। आज हम क्या कि नेचुरली जगह पे आए हैं और हमारे क्या कि गांव में एक हमारे स्टार आपके साथी हैं अनिल जी सर, तो उनके साथ में आज हमारे को लेकर आया है वो उनके नगर पे। और यहां पर क्या कि गन्ने का रस बनाया जाता है। जैसे कि आपने क्या कि देखा होगा उसमें केमिकल डाल के उसको जमाया जाता है, मगर उससे पहले की जो स्टेट जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको हम क्या आम भाषा में कापे के नाम से जाना जाता है। और आपको पता ही है कि गन्ना कितना उपयोगी होता है, गन्ना अपने स्वास्थ्य के लिए कितना होता है। अब मैं गन्ने के कुछ फायदे बताना चाहूंगा आपको कि गन्ना इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। गन्ना जैसे ही अपन पिएंगे इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। इसमें आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस पाया जाता है। आयरन जिसके अंदर खून की कमी होती है उसकी खून की कमी को पूरा करता है। जिस बंदे में खून की कमी होती है उसको ये खून की कमी को पूरा करता है। और इसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम पाया जाने से क्या कि अपने यहाँ जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियाँ खोखली होती है, हड्डियों को भी ये मजबूत बनाने का काम करता है, हड्डियों को भी बहुत स्ट्रॉन्गता प्रदान करता है। और इसमें जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। ऐसे इसके गन्ने के बहुत सारे उपयोगी हैं, इसलिए इसकी रेंज भी कम होती है। आपको जो शुगर केन जो है, शुगर केन जूस है, इतना फायदेमंद है कि आपको समर के टाइम पर रोजाना 2 ग्लास आपको पीना चाहिए। इनसे बहुत सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है और इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। और अब आपका समर आने वाला है, आप रोज 1 ग्लास इसका सेवन करें। आज हम आपको बताएंगे कि जो गुड़ बनता है, गुड़ से पहले की जो प्रोसेस होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर जो होता है गुड़, उसकी प्रोसेस के बारे में हम आपको बताएंगे इसको कैसे बनाते हैं। और ये हमारे हरी सिंह जी सर, राहुल जाटोर, पता ही आप लोगों को। तो आज ये अपने यहाँ घर पर लेकर आए हैं कि हमारे वहाँ पर कापर बनाया जाता है, तो कापर की विधि कैसे होती, कैसे बनाया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। जो है हमारे अनिल जी के मामा जी, हमारे मामा जी हुए, वो हमारे लिए बाल्टी भर के लिए आए रस। देखो आप, मामा जी ने हमारे लिए सेवा के लिए, क्योंकि अब पियो आप, बाल्टी भर के रस लिए। तो आपको मैंने इसके फायदे बताए हैं कि इसके गन्ने के क्या क्या फायदे हैं। डेली आप क्या कि 2 गिलास पिए और हेल्थी महरे, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, हड्डियाँ अच्छी रहती है, कैंसर से बचाव होते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। सेकंड गिलास है, कम से कम मैं 3-4 तो पीऊंगा, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। रेगुलर जो मैं कोरोना काल में वो तो मेल लगाओ अजी साहब, इन्हें ना अब गर्मी में मतलब ब्रत होय बना है, इधर जो गरम गरम पीवा, अरे बाद में जब हमारे जो मामा जी हैं, उनसे हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। वो आपको अभी बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि क्या है, आपको पूरी विधि बताएंगे वो कि ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे गुड़ बनता है, इसकी प्रोसेस क्या क्या बनता है, इससे गन्ने के रस से, वो सारी चीज आपको अभी बताएंगे एक्सप्लेन करके। आपको दिख रहे हैं पूरे यहाँ पर क्या गन्ने की खेती है। यहाँ पर ये इसका रस निकालने के बाद में जो बचा हुआ जो बुरादा है वो है, वो सामने खेत है। और यहाँ पर गांव का एनवायरनमेंट आप देख सकते हो, प्यारी प्यारी भैंसे हैं। और ये आपको बताएंगे कि ये जो गन्ने का जो रस निकलता है उसमें पहले गुड़ बनता है, गुड़ से पहले कापक बनता है, अपने आम भाषा में कापक आ जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये बताएंगे कि कैसे बनता है। मैंने सुना है, मैंने भी आज से 10 साल पहले खाया था कापक, आज वापिस मेरी जो पहले की यादें हैं तरोताजा हो गई है। तो ये बताना चाहेंगे सर के, उनसे जानते हैं कि ये कैसे बनता है। देखिए, ये जो गुड़ बनाने का जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले गन्ना है, गन्ने को खेत से काट कर उसको साफ सफाई करके और इस प्रकार से इनको रखा जाता है। उसके बाद में ये जो मशीन आप देख रहे हो, ना सर, ये जो मशीन देख रहे हो, इस मशीन में से इन गन्नों से रस निकाला जाता है। ये आप देख रहे होंगे मशीन, देखो इसका, ये इधर लाओ सर, हाँ इधर लाओ, रस है वो रस ठंड के और इसे टैंक में जाता है, इस टैंक के थ्रू और कचरा कचरा ऊपर रह जाता है और इस रस को फिर निकाल के और सीधा उस कढ़ाई पे, ये पाइप के थ्रू, ये पूरा पाइप के थ्रू जो रस के द्वारा कढ़ाई है, इस कढ़ाई में ये ठंडा जूस इसमें डाला जाता है, फिर इसमें आग लगाई जाती है और इस प्रकार जो आप देख रहे हो ये गर्म हो रहा है रस, इसका उबालने में कम से कम 5 घंटे लगते हैं, तब जाकर ये थोड़ा गाढ़ा बनता है और कापक का रूप ले लेता है। और उसके बाद में
और भी अधिक इसको अगर गाढ़ा बनाते हैं तो ये गुड़ का रूप लेता है। तो सर आप ये बताओ कि गुड़ जो अपन बनाते हैं कापक से, तो कुछ इसमें केमिकल वगैरह भी मिलाते हैं या कुछ? बहुत सारे मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बदरा है ये बिल्कुल प्राकृतिक है। और ये जो गुड़ है, इधर आके देखो, ये शुद्ध गुड़ आपको प्राकृतिक गुड़ है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। और मैं दानेदार गुड़ है आपको ये हाल क्या बना नहीं है, अभी इसको पैक किया हुआ, अभी ये कम्प्लीटली ये कपड़े बनी कम्प्लीटेड बनकर ये ऐसा तैयार हो जाता है। यदि इस जो गन्ने का जो जो जूस का जो कलर होता है उसी प्रकार का कलर इनका होता है, तो अपन ये समझना कि ये क्या की नेचुरलिटी है। आप मार्केट में देखते होंगे अलग अलग प्रकार का व्हाइट वगैरह है, वो आते ग्रीन आते हैं, उसमें क्या कि केमिकल मिलाया जाता है। हमारे को यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ है, और आज हमारे क्या कि मामा जी से मामी जी से सबसे मिले हैं हम। और हमारी जो मामी जी तो हमारे गांव के हैं रोहारी कला के, तो आज उनसे भी मिलना हो गया इस बार न। हाँ सर, देखो हम क्या कि टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगता है, और वास्तव में ले लो था ले छाओ पता है। इसको खूब टाइम तक इसको क्या उबाला जाता है, 5 घंटे रेगुलरली इसको उबालते हैं। ये इसकी गंदी को बार बार निकाला जाता है, इसमें जो मलवा निकलता है इसका जो बार बार निकाल के इसको साफ किया जाता है। और ये हमारे क्या कि मामा जी साफ कर रहे हैं इसको, और इसका जो ये लगा रखा है इसमें आग लगा रखी, इसका धुआं जो निकलने का देखो आप, ऐसा जुगाड़ करके रखते हैं हमारे। ये आप देखो इसको धुआं, ऐसा धुआं निकलता है यहाँ सर। ये लिक्विड फॉर्म में जो दिख रहा है इसको ही अपनी आम भाषा में क्या है कि इसको कापक बोला जाता है। ये गुड़ बनने से पहले की प्रोसेस है, जैसे कि गुड़ थोड़ा सा इसी ही सॉल्यूशन को, यही जो लिक्विड को थोड़ा सा उबाल देते हैं तो ये बन जाता है गुड़ कि और इसी से पहले वाले जो फॉर्म है इसी को अपन क्या है कि कापक बोला जाता है। और कापक, हाँ कापक को क्या है कि हम ले जा रहे, थोड़ा सा क्या है गर्म है, अभी का भी निकाला गया है, तो हमने आज ये इतने आइटम ले इसको क्या है कि बाहर निकाला जाता है। आप देख रहे हैं कि ये जो गन्ने का जूस को उबालते हैं तो इस प्रकार का ब्लैक कलर का इसमें वेस्ट निकलता है। आप देखो ये इसको बाहर निकाला जाता है इसको। ये लिक्विड फॉर्म है, ये क्या कि वेटिंग मशीन भी है। सर ने एक तो ये 2 किलो का डब्बा और ये 10 किलो का डब्बा भी ले रखा है। ये हमारी लक्ष्मी है जना, फिकल गया ना फिकल, या तो खूब बड़ी देखा है अनुमानित खूब है तो पांच हो गयो। सनसेट व्यू बहुत ही नाइस व्यू है नेचुरली व्यू वास्तव में गजब है यार। अरे वो शायद घुमा है ना, बहुत ही नाइस व्यू है। और हम आज गांव की सैर कर रहे हैं, हमारे अनिल जी सर के गांव की।